हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदना और आज मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल भंडारे वाले जो हम आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं, वही आलू टमाटर की सब्जी आज मैंने घर पे बनाई है। देखकर के आपको जैसे लग रहा होगा ये बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी है और बहुत डिलीशियस बनी है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं हम ये भंडारे वाले आलू और टमाटर की सब्जी बनाना। बहुत क्विक और सिंपल रेसिपी है, आई होप आपको पसंद आएगा। भंडारे वाले आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए एक पैन के अंदर मैंने लिया है तेल, 3 स्पून के लगभग तेल लिया है। इसमें जाता है 1/2 स्पून जीरा और क्यूमिन सीड, 1/2 स्पून खड़ा धनिया और करियंडर सीड, 1/2 स्पून सौंफ और फेनल सीड, और साथ ही में मैंने इसमें एक बेलीफ यानी कि तेज पान और 3 से 4 मैंने इसके अंदर खड़ी सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून जिंजर पेस्ट और अदरक का पेस्ट। बस इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है और इसे हम कुक करेंगे अराउंड 1 मिनट ताकि सारी जो स्पाइसेस हैं ये अच्छे से पक जाएं, अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ मेरे पास है 2 ग्रेट किए हुए टमाटर और टमेटोज, इन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। हमें इसका प्योरे नहीं बनाना है, यानी कि आप इसको ग्राइंडर जार में डाल करके नहीं पीसें। अगर आप इसे ग्रेट करके डालेंगे तो इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आने वाले हैं। सो कोशिश करें आप इसे कद्दूकस ही करें। मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 पिंच हींग और एस्फेटिडा जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। और इस मसाले को हमें तब तक कुक करना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। थोड़ी ही देर बाद मैंने यहाँ पर 3 लंबी कटी हुई हरी मिर्च जो दी है वो स्लिट करके डाल दी है। अब इन सारे स्पाइसेस को हमें 2 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए कुक कर लेना है जब तक कि इनमें से जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो स्पाइसेस हैं उनमें से जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 स्पून हल्दी पाउडर और टर्मरिक पाउडर, साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी मैंने 1/2 स्पून डाला है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, अभी हमने सिर्फ 1/2 स्पून इसमें डाला है, बाकी अगर ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में टेस्ट करके इसमें डाल लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ मिला करके 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत अच्छा आ गया है और खुशबू इस वक्त मसालों की बहुत ही अच्छी आ रही है। यहाँ मैंने पहले से ही 3 आलू को उबाल के रखा है और इनकी स्किन को हटा दिया है। अब इन आलू को मैंने ऐसे ही रफली हाथ से तोड़ लिया था, आप देख सकते हैं साइज़ को। अगर रफली आप तोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी मज़ा आएगा। इन्हें मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बस 1 मिनट के लिए इन सारे मसालों के साथ हम आलू को भून लेंगे। आलू और पोटैटो जो हैं वो थोड़े से खड़े रहें, कि इन्हें हमें ज़्यादा गलाना नहीं है जब हम उबालें, क्योंकि हमें इन्हें ढक कर के फिर से कुक करना है तो थोड़ा कुकिंग प्रोसेस अभी फिर से होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास के लगभग पानी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आलू अलग जा रहा है और जो पानी हमने ऐड किया है वो अलग जा रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए मैंने इनको 5 मिनट के लिए ढक कर के कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब ये प्रोसेस करने से क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल थिक हो गई है और जो आलू और ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से मिलजुल गए हैं। ये वाला फ़र्क पड़ेगा आपको इस तरह से कुक करने पर।
तो लो फ्लेम पर अगर आप पकाएंगे तो इसमें जो ऑयल है वो पूरी तरह से इसमें सेपरेट हो जाएगा और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, एकदम परफेक्ट। जो मार्केट वाली हम सब्जियां खाते हैं या फिर हम खाते हैं भंडारे में सब्ज़ी आलू टमाटर की, वही टेक्सचर आपकी सब्ज़ी का हो जाएगा। फाइव मिनट्स यहाँ पर हो चुका है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ी को। तो फाइव मिनट के बाद ये सब्ज़ी का टेक्सचर है, ये कलर है और इसमें ऑयल आप देख सकते हैं पूरी तरह से ऊपर आ चुका है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखने में ही बड़ी अच्छी लग रही है, खाने में तो कितनी अच्छी होगी। और इस वक्त जो इसकी खुशबू है ना वो आपको मैं बता नहीं सकती, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप इसे घर पे बना करके एक बार ट्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 स्पून गरम मसाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्किप ना करें, इससे इसका टेक्स्चर, इसका टेस्ट, इसका कलर सब कुछ चेंज हो जाता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब आप इसे देखते हैं तो ये देखिए हमारी ग्रेवी, हमारी सब्ज़ी आलू टमाटर। ऐसा अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो इस बार ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत ही टेम्प्टिंग है, बहुत मस्त और मज़ेदार है। ये जो सब्ज़ी है ये हमने बनाई है बिना लहसुन और बिना प्याज के, तो जो बिना लहसुन और बिना प्याज के सब्ज़ियाँ खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये है ही एकदम परफेक्ट। पर एक बार इस तरह से वो लोग भी इसे ट्राई करें जो लहसुन और प्याज के बिना सब्जियां नहीं खाते हैं। इसे बनाने के बाद आपको लगेगा कि बिना लहसुन और प्याज के खाना कितना मज़ेदार होता है, तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और हाँ, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आपकी आलू और टमाटर की ये वाली सब्ज़ी कैसी बनी थी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ हमने इसे ढककर पकाने के बाद फिर से हम इसे एक मिनट के लिए कुक कर रहे हैं और साथ ही में इसके अंदर जाएगा हरा धनिया पत्ता, तो मैंने पहले से ही काट करके रखा हुआ है, वो हरा धनिया पत्ता हम इसके साथ इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जाता है हमारा हरा धनिया कटा हुआ। और गैस को अब हम बंद कर देंगे इस स्टेज पर और इसे मैं सर्व करने वाली हूँ पराठे के साथ में। आप चाहें तो इसे पूरी के साथ में, पराठे के साथ में, चपाती के साथ में या राइस के साथ में, बहुत अच्छा जाएगा। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये सब्ज़ी हमारी जो है ये बन करके रेडी हो गई है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं एक बार आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि देखने में कैसी दिखती है। तो यहाँ आप देखिए इसका टेक्स्चर, इसमें आलू और जो ग्रेवी है वो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है, एकदम मिलजुल करके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया है हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी का। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ट्राई करना है आलू टमाटर की सब्ज़ी तो मेरी रेसिपी को ट्राई करके देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर घर में खाना बच जाता है तो उस खाने को हम कभी भी डस्टबिन में ना फेंकें, अपने आसपास हमेशा उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है और वो खाना उन तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करें। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें मेरे तरीके से ये आलू और टमाटर की सब्ज़ी को, खुश रहें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।